कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? एक ख्वाहिश है जो मेरे सीने में हर वक्त उबलती रहती है। आपका इरादा कभी बना इंडिया जाने का? वो बड़ा मुश्किल है अब जाना, वो दीवाने हैं वो तो कपड़े फाड़ देंगे। और इज्जत की हवस रखने वाला जैसे अपने दीन को तबाह करता है, ऐसे भेड़िए भी बकरियों को इतना तबाह नहीं करते। कभी ऐसा सोचते हैं कि ये शोहरत ना ही होती, मैं भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता, ये ख्याल आता है दिल में? कुदरत का निज़ाम था कि इख्तलाफ होना था, ये रहेगा, इख्तलाफ के आदाब हैं। तो कोई चर्स भर रही है, कोई नशा कर रही है, कोई नशा कर रही है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये मेरी ज़िंदगी की आप कह लें कि सबसे बड़ी वीडियो है और मेरे चैनल की भी। और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मौलाना तारिक जमील। इस मुस्लिम उम्मत के बहुत बड़े असासा हैं और लाखों लोग इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मैं ख़ुद इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ और जब भी कभी मुझे रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, मौलाना हमेशा प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ मेरी रहनुमाई करते हैं। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल आप इधर तुलंबा में ठहरे हुए हैं, हम यहीं पे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपकी क्या आजकल डेली रूटीन चल रही है? यहाँ तो बेटा कुछ भी नहीं है, बस घर पर ही होता हूँ, कोई खास रूटीन नहीं है। मौलाना मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका जिंदगी का पहला बयान जो था जिसमें आपको पता लगा कि अल्लाह ताला ने आपको ये बयान करने की सलाहियत दी है, ये कब आपने किया और कब आपको एहसास हुआ इसके बारे में? याद नहीं कोई तो ऐसा होगा शुरू का। जब मैं 3 चिल्ले लगा रहा था तो वो दीपालपुर साइड पर गांव देहातों में हमारी जमात थी, सही 1971 की बात है। तो मैं टूटियों पर वजू करने के लिए बैठा हुआ था, तो 2 गांव के देहाती वहाँ वजू कर रहे थे। सही। तो एक दूसरे से कहता है, तबलीगी जमात आई है, इन्हां दी गल सुनी है? वो कहता, नहीं मैं तो नहीं सुनी। वो कहता है, विच एक शोर है, वो बड़ी चंगी गल करेंदा है, ओदी सुनी। तो ये पहली दफ़ा मुझे उस देहाती की जबान से पता चला कि मैं कोई अच्छी बात करता। वैसे आपके सामने ही आप ही की बात कर रहे थे। उनको नहीं पता था मेरे बारे में। सही सही। अच्छा मौलाना आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबाव अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे शिकस्त दी, फिर उसे कत्ल किया और चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। सही सही। शेरशाह सूरी के ज़माने में हमारी तलंबे पर हुकूमत थी, हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से बीकानेर अजमेर से पता नहीं कब, जब वो रामदेव मुसलमान हो गया तो वहाँ से शिफ्ट कर गया। तो वो पहले जो इस पंजाब में उनकी आमद हुई है वो उकाड़ा में हुई है 200 साल पहले। सही। फिर वो यहाँ आए और यहाँ जंगजू लोग थे, उन्होंने तलंबे पे कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत बना ली थी। और फिर उसके बाद अकबर, जलालुद्दीन अकबर ने जब मुल्तान फ़तह किया तो उसने तलंबा भी फ़तह किया और हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन हम यहाँ के सबसे कदीम बाशिंदे हैं। सही सही। इस इलाके के। सही। अच्छा ये वजह है कि आपके अक्सर बारे में सुनने को मिलता है कि आप ज़मींदार, आपकी फैमिली है, तो ये हुकूमत आपकी चलती आ रही है यहाँ पे काफ़ी अरसे से। जी 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 जी। सही सही। अच्छा मौलाना आप
अपने एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि बड़ी छोटी उम्र से आपने जो है सिगरेट पीने की आदत आपको लग गई थी, तो उसके बारे में बताएं कि किस उम्र में लगी और वो कैसे आदत लग गई आपको। वो रात को बैठते थे सारे हम छोटे छोटे बच्चे, तो उस वक्त का जो सोशल मीडिया था वो सारे मिल के बैठते, कोई एक उनमें बड़ा बैठ के कहानियाँ सुनाता था। सही। तो हम वो उनसे शौक से रात को कहानियाँ सुनते थे, उसमें वो सिगरेट पीते थे, तो बड़े थे हम छोटे थे। सही। तो उनको देखकर मुझे शौक हो गया मैं भी पीऊँ। सही। तो इस तरह शुरू कर दिया। और उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? होगी कोई मेरे ख्याल में 8-9 साल। 8-9 साल। सही सही। अच्छा मौलाना, हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर जो है उतार चढ़ाव आता है, कभी खुशी का मौका कभी गम का मौका, तो ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से पहुंची है? ज़िंदगी एक मोटरवे नहीं है कि जैसे हार्ट की ECG ऐसे ऐसे चलती है ना ज़िगज़ैग, तो लाइफ भी इस तरह चलती है। इसमें दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, वलादत भी होती है, मौत भी होती है। तो ज़िंदगी की असल तो जो खुशी अल्लाह ने रखी है वो जन्नत में रखी है, और ज़िंदगी भी असल अल्लाह ने जन्नत में रखी है। ये इम्तिहान की जगह है, या हर आदमी कोई ना कोई मसाइल फेस कर रहा होता। तो मेरी ज़िंदगी शुरू से ही सफरी बन गई। 11 साल की उम्र में लाहौर चला गया, वालदैन ने भेज दिया, तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। फिर जब अल्लाह ने मुझे इस रास्ते में शोहरत दे दी, तो शोहरत के अपने मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों की तरफ से तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो फिर मेरे साथ भी हुआ, मुसलसल हुआ, अपनों से भी गैरों से भी, तो कोई मैं बता नहीं सकता कि ठीक हो गया। अच्छा मौलाना, आपकी कहानी तो मशहूर है कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, और कई दफ़ा आपने इसको डिस्कस किया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप दीन की तरफ आए, तो सबसे बड़ी कुर्बानी आपने दीन के लिए क्या दी? बेटा, इस दीन के लिए क्या कुर्बान, ये तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मेरा फ़ायदा हो। बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मुझे उस रास्ते से हटाया। हमारा तो बहुत गलत माहौल था यहाँ उस वक्त जब मैं इस तरफ आया हूँ, तो जांगली इलाका है, जांगली से मुराद है लोकल। सही। माइग्रेटेड जो थे वो फिर भी कुछ समझदार थे, हम तो बिल्कुल ही दीन से भी नाबलद थे और दुनिया से भी। अच्छा मौलाना, एक चीज़ इस दुनिया का असूल है जो मैंने पढ़ा है कि जो शख्स जितनी शोहरत पाता है या जितना अल्लाह उसे उरूज देता है, तो साथ ही साथ तनकीद भी बहुत की जाती है। हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक नॉन मुस्लिम ने किताब लिखी थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन पे नंबर वन उनको किया था, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा किताबें अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ लिखी गई हैं तो वो भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसी तरह अल्लाह ने आपको भी बहुत शोहरत दी, तो आप पे भी अक्सर लोग तनकीद करते हैं, तो इस तनकीद का आप कैसे सामना करते हैं? खामोश। हमारे उस्ताद थे मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे, एक चुप 100 को हराए। तो अपने उस्तादों से ये सीखा कि खामोशी, सब्र। कभी रिएक्शन तो अंदर ही दबा लिया, जाहिर नहीं किया, बर्दाश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड सवाल है मेरा कि अक्सर जो स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ, अगर उनके ऊपर कोई तनकीद हो या फिर कोई उनकी बात करे, तो उसका अक्सर जवाब देते हैं कुछ बुरे लहजे से, कुछ आराम से। आपने आज तक कभी किसी शख्स के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, कोई क्लैरिफाई नहीं किया आपने, आपको कोई सफाई नहीं दी, इसकी क्या हिकमत है? यही हिकमत है कि सब्र करो। सब्र ईमान का वो जुज़्व है जैसे जिस्म में रूह है, रूह निकल जाए तो डेड बॉडी है इंसान, एक मिनट नहीं एक सेकंड में वो डेड बॉडी होता है। तो सिफात ईमान में सब्र
रूह की तरह है। बस।